भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में हमने टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी, इस पर विशेष ध्यान दिया है। आज आप देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग कहां पहुंची है। देखते ही देखते भारत दुनिया का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, दुनिया का 3रा। हमारे युवा साथियों को भरपूर अवसर मिल सके, इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में हम इस इकोसिस्टम को, स्टार्टअप की फंडिंग को और सशक्त करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जो अगली औद्योगिक क्रांति है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर ही आधारित होगी। इसके लिए हम देश को तैयार कर रहे हैं। आज देश भर के स्कूलों में हम 6th क्लास के बच्चों को ही अटल टिंकरिंग लैब उपलब्ध करा रहे हैं। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक सुधार है। भविष्य में यहीं से स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के लिए हमारा टेम्परामेंट विकसित होने वाला है। भाइयों और बहनों, यही नए संस्थान नए भारत की नई पहचान बनने वाले हैं। हमारे युवा साथियों की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाले हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को जिस प्रकार हमने गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है, उससे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस सपने को साकार करने में बहुत मदद मिली है। बीते 5 वर्षों में फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। सर्विसेज की डिलीवरी सटीक और फास्ट हुई है, और सबसे बड़ी बात, जनता की पहुंच सिस्टम तक बढ़ी है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है।